तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ अपने खेत में, और हम लोग आए थे यहाँ पे काम करने, कुछ भी लहसुन वगैरह लगाने। और मैं आपको मिलाऊंगी किसी से आज। हाँ देखो, हमसे मिलने कौन आया है और कहाँ से आए हैं। दिल्ली से हमारी हमारी बहन जी और भैया दिल्ली से आए हैं स्पेशल मिलने यहाँ पे, हम ही से मिलने आए हैं। और मुझे बहुत खुशी, काफ़ी देर हो गई हमारे को गप्पे मारते हुए। अभी भैया परली साइड गए हैं, दीदी यहाँ पे, उनसे बातें कराऊंगी अभी ना। वो हमें अपने पापा से बात करवा रही है, तो अंकल जी भी मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि उनको स्वस्थ रखें, और उम्र भी काफ़ी उनकी, और मतलब वो ठीक रहे। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद साथ में अंकल जी। तो मैं आज कहाँ से कहाँ पे हूँ, आप लोग देख रहे हैं, बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और दीदी भी वैसे ही हैं, यहीं खेत में बैठे हैं। मतलब पार्ला घर थोड़ा हमारा दूर है ना सड़क से, तो वहाँ पे मतलब थोड़ी दिक्कत होती, हमें भी दिक्कत होती आने जाने में। तो और दीदी यहाँ पे ही पहुँच गए, गाड़ी इनकी गेट के बाहर लगी है। कौन करता है इतना प्यार, कौन चाहता है किसे इतना। हेलो शशि, चलो सबसे पहले मिलाते हैं हम आपको भैया से, संजय भैया से। नाम तो मेरे को पता ही है, ये है नीरजा दीदी के हस्बैंड। और बाकी भैया अपने बारे में अपने आप बताएंगे, जो भी इनको बताना है, कहाँ से, जितना भी बताना है भैया ने। देखिए, अब तो मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, वैसे मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई मेरी पूरा टाइम पंजाब में हुई, पर फिर नौकरी करने दिल्ली आया तो अब दिल्ली के ही होके रह गए। दिल्ली की 1990 से अब मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, और जो हमारा काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का काम है, उसको ऑटोमेशन का काम बोलते हैं। अच्छा, मतलब जैसे एक प्लांट लगा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि उस प्लांट में क्या हो रहा है, तो एक कंट्रोल रूम बन जाता है। अच्छा, उसमें बैठे बैठे पूरे प्लांट का पता चल जाता है। जैसे कि एक बॉयलर है, अच्छा, उसमें कितना प्रेशर है, वरना तो आदमी चक्कर लगा लगा के पूरे प्लांट में देखता है। ये क्या है कि कंट्रोल रूम में कंप्यूटर पे ही सारा हाल पता चल जाता है पूरे प्लांट का क्या है, और कुछ गड़बड़ हो तो वहीं पे पता चल जाती है, फिर आप जाके ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं अंदर उस तरह का हम सिस्टम बना के। क्या बात है भैया, उस पे प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा भैया, फिर आपने घूमने का कैसे सोचा? घूमने का जी, ये श्रेय जो है, वैसे तो पहाड़ों का मुझे बहुत शौक है। हाँ जी, और हिमाचल उत्तराखंड इधर मैं काफी घुमा हुआ हूँ। अच्छा, लेकिन इस जो ये जो ट्रिप बना, इसका सारा श्रेय जाता है हमारी मैडम को, उनसे बाद में मिलाएंगे दीदी को। हाँ, ये ट्रिप सारा उन्होंने ही बनाया। मतलब मेरा, मैं साथ देने को तो बिल्कुल रेडी था, हाँ, जाऊंगा जहाँ पर भी ये जैसा भी प्रोग्राम बनाएंगी। अच्छा, पर पूरा प्रोग्राम इस बार इन्होंने, नहीं तो आमतौर पर मैं सेट करता हूँ, इस बार सारा प्रोग्राम इन्होंने सेट किया। आने से पहले तक मुझे ये तक नहीं पता था कि कौन सा होटल है, कहाँ जाके रुकेंगे। सारी तैयारी इन्होंने करी, सारी जगह बात करी। और आपको ये भी बता दूं, आपको ये सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा पता नहीं, अब जाके मैं वहाँ पहुंचू, फिर पता चले मधु जी कहीं और बिजी थी, चली गई थी अपनी जगह, उनकी जगह अपने कोई सरप्राइज मिल जाए तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, ये तो बोलने का मतलब है कि हमसे मिलने आए स्पेशल दिल्ली से। हाँ, आपसे ही मिलने, इनका कोई और वो नहीं, और कोई एजेंडा नहीं था इस बार। सिर्फ ये था कि मिलेंगे, बैठेंगे, और कोई इधर उधर लंबा चौड़ा घूमने का प्रोग्राम नहीं था। हाँ भैया, घूम के अच्छा लगे। जैसे लेखराज जी के साथ अभी हम कहाँ लेके गए थे आप इनको? मैं गया था इनको बाउंड्री के पास, अपनी पुरानी बड़ी दीदी तो सब कुछ जानती है, उनको तो पता है। और भैया थोड़े बिजी रहते हैं। मैं, हम लोग ना काफ़ी देर से इनके साथ बातें कर रहे थे, मैंने एक चीज़ बहुत नोट करी, और हमेशा वो चीज़ें सीखनी चाहिए। भैया बहुत साथ देते हैं दीदी का, तो मतलब आ गए, बोल रहे हैं ना कि मुझे नहीं था पता कि कहाँ जाना है, बस हमने छुट्टियाँ बुक की है ना, और बुक करी और आ गए। और दीदी ने ही सारा प्लान किया हुआ था कि मतलब कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। और इतना प्यार करते हैं ना भैया, आप तो नहीं देखते हमें, दीदी के कमेंट हमेशा आते रहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, और बहुत कोमल दिल के हैं दीदी। वो कमेंट में भी ऐसा लग जाता है कि रो रहे हैं, मतलब एक चित्रात्मक भाषा जिसको बोलते हैं ना हम, एक तो होती है ना सामने की, सामने बंदा रो रहा है या हंस रहा है, एक होती है भाषा जिसको पढ़ के लगता है कि चित्र बन रहा है उसमें, पढ़ते पढ़ते तो इनके वो जो वर्ड होते हैं ना, तो उनमें भी हमें ऐसा लगता है कि दीदी अभी इमोशनल हो रहा है हमारे लिए, शब्दों में ही रो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, हाँ जी, आपकी तरफ मेरी बड़ी जेलसी है, मैं आपको बताता हूं क्योंकि शाम को जब मैं आया था हूं घर, उसके बाद ये आपको ज्यादा टाइम दे रही होती है, मुझे कम। दीदी बहुत प्यारे हैं, बस अभी दीदी से मिला रहे हैं आपको, सच्ची है देखो। और ये तो मतलब मेरे से कई भैयाओं को नफरत हो गई है कि
नफरत नहीं, जलसी जलसी बोलते उसको। और हाँ, एक मैं और बात बताऊँ आप लोगों को ना, भैया बहुत अध्यात्म वाले क्या बोलते हैं उनको, मेरे को सही से वर्डिंग नहीं आती, आध्यात्मिक इंसान है ये। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता रहे थे पहले, जो मैंने सोची भी नहीं थी, तो हम सोचते भी नहीं वैसी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, बहुत अच्छी, मतलब सब कुछ है भगवान की। अध्यात्म जो है ना, सब में होता ही है, लेकिन उसको लोग, उसको हर किसी का ना सोचने, अलग अलग जगह पर जागृत होता है, ठीक है ना। हाँ, आप नेचर को प्यार करते हो, वो भी एक तरह का अध्यात्म, अध्यात्मी है। अच्छा, हर आदमी की हर तरफ एक अलग सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ जी, इवन जो पशु को मार के खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सब बुरे लोग ही होते हैं, अभी उनमें वो चीज जागृत नहीं हुई है कि यार देखो ये पशु है, ये मर जाएगा, मर जाएगा, चाहे कुत्ता ही है उसका भी कोई परिवार होगा। हाँ, या इसको भी भगवान ने जब बना के भेजा था, ये तो नहीं बोला था कि इसको कोई मार के खा जाए, इसको भी अपनी पूरी उम्र जीनी थी। सही बात है, उन लोगों में अभी वो चीज जागृत नहीं है। अच्छा, तो जो हम अध्यात्म की बात करते हैं जी, मेरे अंदर भी 50 चीजें हो सकती है कि मान लीजिए किसी का दुख मुझे अभी नहीं दिख रहा है, तो मेरे अध्यात्म में भी अभी वो कमी है कि मुझे उसका दुख समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक है ना। मेरा ध्यान हो सकता है, चाहे कहने को भगवान की तरफ ज्यादा लगा है, सिर्फ भगवान के बारे में सोच लेना अध्यात्म नहीं है। बहुत गहरी, जो एक जीता जाता आदमी है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, भगवान कहाँ मिल जाएगा फिर, और क्या कर, भगवान कैसे मिल सकता है जब हम इंसानों की नहीं सेवा कर सकते या दया कर सकते। तो अध्यात्म उस सेंस में सबका अधूरा है, अभी मेरा भी अधूरा है। हाँ, उस तरफ ट्राई करते रहना। कुछ चीजें जो आपने बताई ना, कुछ बातें बहुत गहरी थी, वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी सच्ची में। और हम सोच रहे थे कि इनको कहाँ बिठाएंगे, और आप देख सकते हैं कि ये आए, ये घर नहीं गए, कि इनको ना कई जगह पे जाना है, घर तो सामने पा रहे बिल्कुल, तो ये यहाँ पे खेत में ही बैठ गए। बोले हम तो नीचे बैठ जाएंगे, वो तो शुक्र है हम कुर्सियाँ लेके आ गए थे, नहीं तो इंसल्ट हो जाते। दिल्ली से लोग मिलने आ रहे हैं और हम इनको कहाँ बिठा रहे। बैठ के और खुश होते। और भैया ने ना एक और बात बोली, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं हम ना कप ढूंढ रहे थे कि मतलब कप नहीं मिल रहे थे, चाहे भैया बोलते मेरे घर में आना, आपको वहाँ पे ना चार रंग के कप मिलेंगे। कि इनके बोलने का मतलब ये था कि ऐसा ही होता है घर में, हम लोग भी ऐसे ही हैं। तो और दीदी मेरे को हमेशा कमेंट में एक बात बोलते हैं कि हमेशा मधु डाउन टू अर्थ रहना, बाकी तू जो मर्जी कर ले और जैसे भी। तो ये खुद ऐसे इंसान है, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे। और मुझे अभी रोना भी आ गया था अंकल जी से बात करके। तो अभी मैं आपको मिलाऊंगी दीदी से, जो कि हमारी स्टोरी के, हमारी इस कहानी के मेन पात्र है। आ रही आ रहे, वाह दीदी क्यूट भी बहुत लग रहे हो। नमस्कार। ठीक है दीदी, अभी आप बोलो। मेरा ये ट्रिप मान लो एक ब्लॉगर सरप्राइज ट्रिप बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि हम लोग सीरियल देखते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं, उसमें हम कितनी बनावटी चीजें देखते हैं। जी, ब्लॉगर्स जो हैं हम लोगों को रियलिटी दिखाते हैं, जो सामने है वो दिखाते हैं। और इनकी तरफ रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि ये कहाँ से छोटी, छोटे से स्टैंड से शुरू होके कितना बढ़ पाए, आंखों के सामने बढ़े और कितनी अच्छी तरह से कर पाए, तो एक रिस्पेक्ट आती है। थैंक यू। तो यही देखते हुए मैंने, और उसके ऊपर से मेरा हिमाचल, मेरे हिमाचल, ये मेरे हिमाचल से है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और दीदी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन इनका जो झुकाव है ना वो हिमाचल में बहुत है, क्योंकि बेसिकली ऊना से है ना दी। हाँ, ऊना से। हाँ, तो मेरे पापा जो है वो भी मधु के ब्लॉग्स देखते हैं, 90 साल के हैं, वो भी बार बार रिपीट करके, उनको नहीं देखना आता मोबाइल पे, लेकिन वो टीवी पे लगा के यूट्यूब में उसको रिपीट करते जाएंगे। हम बोलेंगे ये तो देख चुके हो, नहीं उनको वो दोबारा देखना होता है वो वाला, चाहे वो ब्लॉग 10 बार रिपीट हो जाए, वो देखना जरूर है यूट्यूब वाला ब्लॉग। तो उनको कितना प्यार है। तो मेरे को था कि मैं इन लोगों से क्यों ना मिलूं। तो मधु ने बोला कि मेरे घर में जागरण है, मेरे इधर आई, मैंने बोला अगर मैं पहुंच पाई तो मैं जरूर पहुंचूंगी। दीदी आप, मैंने बोला था आ जाना, जिस सबने आ जाना, मेरा घर का पता। लेकिन उस दिन हुआ ये कि मैं पहुंचते पहुंचते 10 घंटे का सफर, मेरी हालत हो गई बुरी। अब उस मैं फिर नीचे इनके घर तक पहुंच नहीं पाई, सीधा होटल में जाके रहना पड़ा मेरे को। हाँ, इनकी तबीयत खराब, और गए ना ये घनागु से होके गए थे, मेरे घर के नजदीक से होके गए थे। तो hey सोचा भगवान। तो मैंने यही था कि मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन फिर जो शुक्ला जी हैं उन्होंने भी बोला दीदी तबीयत खराब हो रही है तो आराम कर लो।
नहीं हो पाना, फिर मुश्किल हो जाएगी, अंधेरा भी है, सफर है, टेढ़े रास्ते हैं, मत ऐसे करो, अपने शरीर को तंग मत करो। तो अच्छा। ऐसे करके अब फिर यहाँ पर आई इनके पास में और मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसी दिखती हैं, जैसे कर्म हैं, जैसे ब्लॉग्स बनाती हैं, बिल्कुल वो ही मधु हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जैसे गले मिली, जितने अच्छे से रही, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यही अपनापन है, और यही देखो, अगर ये भी वही कर रही है ना, ये भी वही कर रही है जो वो एक्टर्स करते हैं, वो एक्ट्रेसेस करती हैं, वही काम कर रही है ना। बट अगर मैं आज किसी एक्टर के पास बोलूंगी कि आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रोत्साहित होती हूँ, तो वो बोल उन अपने से पहले 4 बॉडीगार्ड को खड़ा करेंगे और बोलेंगे जी हम तो बहुत ऊंचे हैं, चाहे अंदर दम है चाहे नहीं है, लेकिन ये खड़े हैं, वही काम कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन भाव देखो अलग है। मैं ये बहुत बड़ी चीज है। हम देखते हैं कि यहाँ सीरियल बना दिया, सास बहू से लड़ रही है, वो कर रही है, ये क्या दिखाते हैं, ये रोज का आम दिखाते हैं, और आपको क्या सास बहू की लड़ाइयाँ दिखती हैं इसमें, कहीं नहीं होती। क्या आपको किसी और की लड़ाइयाँ दिखती हैं, कोई नहीं होती। आपको क्या दिखता है, नॉर्मल रूटीन दिखता है, नॉर्मल वर्क दिखता है, जो कि सच है, और हम भागते हैं वही झूठ के पीछे। वही देखना है हमारे। हाँ, मनी बहू ऐसे तूने हलवा क्यों बना दिया, ठटांग ठटांग ठटांग। थोड़ा सा फनी हो जाती थी, बहुत मजाकिया है, इन्होंने बहुत पते की बातें करी, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा वो कर दीजिए। हाँ। थोड़ा सा कुछ भी सुना दीजिए। एक तो आपने बोल दिया कि वहाँ पे वो देखते हैं लोग, सही बात है। हाँ, तो भैया क्यों, भैया क्यों पड़े रहते हो भैया मनी बहू के पीछे, ये कौन है मनी बहू जी, पता नहीं यार, होता है ना ऐसे ही, तो होता है, यही तो होता है, पता नहीं किसी ना किसी की बहू होगी, रसोड़े में कौन था, रसोड़े। हाँ, फिर अब भाई मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे जेवर पहन के, बिंदियां लगा के, तैयार होके, कौन तैयार होके सोने जाता है। अरे क्या बात है दी, तुम एक बार सो के दिखाओ मेरे को, वैसे ही और वैसे ही उठ जाते हो सो के, पूरी बिंदियां छिंदियां लगा के, गहने गुने पहन के, गहने गुने पहन के तैयार होके, टिचो के, बिल्कुल। एक शूट को, एक शॉट को शूट करने में 4-4 घंटे, 4-4 घंटे, वो भी 10 सेकंड का या 1 मिनट का शूट, क्या कैमरा एक्शन, ठीक है। मैं क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ा रही हूँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ धज्जियां उड़ा रही हूँ, जो कि नहीं उड़ानी चाहिए, वो भी काम करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये यहाँ पर जो है, जो ये काम कर रहे हैं, इसका भी, इनका भी उतना ही प्रोत्साहन होना चाहिए, इनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इनको ही उतना ही प्यार मिलना चाहिए। और प्लीज खराब कमेंट्स मत करा करो, हर प्रकार का इंसान है इस दुनिया में, सबके अंदर उतनी गलतियां हैं, उतनी ही अच्छाई है, चुप, सब उतने ही अच्छे हैं, सब उतने ही गंदे हैं। तो प्लीज बैड कमेंट्स मत करा करो, जो भी करो अगर अच्छा मुंह से निकालोगे तो वापस भी अच्छा ही मिलेगा। किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाओगे, वो जब आपका हाथ पकड़ेगा तो आपके हाथ को भी सहारा मिल रहा है। ये मत सोचो कि वो उसने हाथ पकड़ा तो वो ही सहारा दे रहा है, आपके हाथ को भी सहारा मिल रहा है, आपने हाथ पकड़ा है तो। तो ये बात को मन में रखो, और प्लीज प्लीज सारे ऐसे ब्लॉगर्स को प्लीज सपोर्ट करो, चाहे मधु हो गई यार, और कोई भी, कितने भी ब्लॉगर्स हो गए, सबको आपके खाली 20 मिनट दिन के जा रहे हैं, कुछ नहीं, खाली 20 मिनट जा रहे हैं। एक्टर लोग सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, 3 घंटे की मूवी देखना बंद करो। ना सही बात है, आपने बहुत ऐसी सोच सबकी हो जाए ना, क्या बात है। वैसे मैं शाहरुख खान की फैन हूँ, उसकी मूवीज देख लिया करो। अच्छा, क्या बात है दीदी, शाहरुख खान की फैन है। भाई आप किसकी फैन है? मैं तो ये अमिताभ बच्चन का फैन। मैं भी भैया, ये पूछ लो इनको, मेरे सबसे फेवरेट हीरो है अमिताभ बच्चन, मैं उनको ही मानती हूँ, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी एक्टिंग, उनकी हर, मतलब बाकी औरों को नहीं। क्या अच्छा दीदी के शाहरुख खान है। हाँ। और आपके? मेरे अजय देवगन। अजय देवगन जी,
तो दीदी आपने, एक तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, आप दिल्ली से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से मिलने, शुक्ला से, मुझसे, और अंकल ने जो मेरे को बोला था कि उसके उससे स्पेशली मिलके आना, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं अंकल जी के लिए, बहुत सारा प्यार। वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बताया ना रिपीटेडली, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने वो ब्लॉग देख लिया कि नहीं देख लिया, वो दोबारा लगा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर दोबारा लगा लेते हैं, उनको देख देख के मजा आ जाता है कि मधु ऐसे, अब मधु यहाँ पर, अब मधु का ये, अब मधु का वो, सारा कुछ मधु 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 मधु। बस मैंने उनसे प्रॉमिस किया, मैंने कभी नहीं ऐसे में ज्यादा, अब जाएंगे हम दिल्ली, जरूर आएंगे अंकल जी से मिलने, और 90 साल की उम्र है उनकी, और आप सभी लोग ना, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आप सभी लोग ना दुआ करना भगवान से, माता रानी से दुआ करना कि हमारे अंकल जी और आंटी जी स्वस्थ रहें, हाँ। और जो दीदी है ना वो उनके बेटी है, इकलौती बेटी है, हाँ। तो बहुत बहुत दुआएं करना उनके लिए, मैं ये चाहती हूँ स्वस्थ रहें। तो बस दीदी और कुछ बोलना है? ठीक है, मैं आपके लिए भी बहुत सारा बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ माता रानी से, बस आप स्वस्थ रहें, और भैया तो फिर से आएंगे, अभी दीदी फिर से ले आएंगे आपको, तो अगली बार दीदी भी लाएंगे, अगली बार मैं लेके आऊंगा, खाना खाना अगली बार खाना भी खाना, आप तो अगली बार यहीं पे होगा भैया, जित आप अगली बार को आएंगे ना, इतनी सी भी बात नहीं है कि क्या है, किसी चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कहाँ पे क्या, बस हमसे प्यार है और जाना है, और खुद ढूंढते हुए ना, हमें इतना भी नहीं पूछा है कि कहाँ जैसे घर कहाँ जैसे, यहाँ हमारे लोकल लोग भूल जाते हैं, लोकल लोग आते हैं ना कई बार यहाँ पे, तो वो भूल जाते हैं कि जाना कहाँ पे, वो किधर को निकल जाते हैं, किधर क्या आते हैं, तो दीदी यहाँ पे पहुँच गए, तो मेरा मन नहीं कर रहा है इनको भेजने का ना, पर अब दीदी बोल रहे हैं कि मुझे निकलना है, अभी इन्होंने शुक्ला के घर जाना है, मैं इनको इधर खींच रही हूँ, और वो ये दीदी बोलते हैं कि मतलब वो बुला रही है माता जी पार्मे के, चलो ठीक है, माता जी बहुत मानती है इनको, तो अभी लता के, लता से मिलेंगे नीचे जाके, उसका घर थोड़ी नीचे है, और फिर उधर चले जाएंगे शुक्ला को, फिर दीदी पता नहीं, फिर कल हम फिर से मिलेंगे, कल हम फिर से ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है ना दीदी, फिर से बनाएंगे, सब इकट्ठे होकर मिलाएंगे, सब इकट्ठे होके बनाएंगे सच्ची वीडियो, हाँ। तभी दीदी ने कुछ नहीं खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरा घर पार है, और मतलब वहाँ, हाँ बिल्कुल कुछ खाना नहीं है, ये मधु ने ना मेरे अंदर इतनी ये सब बोल बोल के फूक भर दी है, ये जो तुम आपको दिख रहा है ना, ये मेरी फूक भरी हुई है, अभी देखना जाते जाते था सब फुस निकल गई कल दीदी सब निकल जाएगी, ये ना सच्चे का चेहरा नहीं है, मैं बहुत पतली हूँ, एकदम स्लिम स्लिम पता है दीदी इतना हंसाते हैं कसम से ना, इतनी बातें तो मैं आपको सुना भी नहीं सकती, जितनी उन्होंने हंसाया ना हमारे को, इतनी स्लिम ट्रिम हूँ ना, आप क्या मेरी कप, वो क्या आजकल आती है ना जो पतली पतली सी कॉम्पिटिशन करवा देना, उसमें ले जाएंगे दीदी को, बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर इन्होंने फूक फाक सी भर दी, पता नहीं कैसे खुशी खुशी से हो गया दीदी, बस खुशी से हो गया, हवा भर दी इन्होंने, तो चलो ठीक है, जय माता दी, और बहुत खुशी हुई दीदी से मिलके, कल फिर से बनाएंगे हम ब्लॉग, दिखते हैं कहाँ बनाएंगे, वो सरप्राइज है ना दीदी, ठीक हाँ, तो फिर कल मिलते हैं दीदी से, अभी इनको जाना है, और बहुत खुशी हुई दिल्ली से आए हम सभी, भैया दीदी ये देखो, कर दो भैया एक बार लास्ट में जय माता दी, जय माता दी, ये देखो चलेगा दिल्ली जाएगा, यो दिल्ली जाएगा, जाएगा मम जाएगा, थोड़े कुछ नहीं करा करती दीदी, कुछ नहीं बोला करती, जाएगा बिट्टू जाएगा, और दीदी ना स्पेशली आई थी गन्नू से भी मिल ली है दीदी, और देखो भैया भी मिल ली है, और अब ना गायों से मिल रहे हैं, कभी पाले नहीं लेकिन प्यार देखो इनका कुदरत के प्रति, ए तो मारती है भैया, चल पड़ी, ये मारती है, देखो क्या कर रही है, वो नहीं मारती ना, वो मारती है, अब पता नहीं इनको, इनको कुछ नहीं बोल रही है, मारती तो वो भी है, यहाँ आता नहीं ना कोई, नहीं ये है साइड में, अब इनको लोग आते तो इनको अजीब जैसा लगता है, डर गया दीदी सबसे मिलके, ये थोड़ी सी शांत है,
ये तो सबसे, ये पता नहीं आप लोगों के लिए कैसे शांत है, ये अपनी पाली हुई है, ये लोगों से लाए, इसको बोलते हैं नेचर से प्यार। चलो कान पे कोई नंबर लगाया, ये इन्होंने क्या किया हुआ ना अब, कि पहले लोग गायों को छोड़ते थे ना, अब नहीं छोड़ सकते, अब छोड़ी हुई है वो पहले की है दीदी, वो पहले की इन्होंने ना, अब क्या किया हुआ कि ऑनलाइन है ये। अच्छा, अब अगर के को मिल जाती है ना है, तो ये नंबर डालेंगे वो पता लग जाएगा हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है ये। और सीधा जेल। ओके अच्छा भैया, बाय, आराम से जाओ है ना, भूलना नहीं मेरे को फोन कर लेना कि रास्ते में है ना, ठीक है।